नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जंग जीत चुकी है और अब अगला फोकस महाराष्ट्र और झारखंड पर है। महाराष्ट्र और झारखंड में फिर से कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने सारा फॉर्मूला सेट कर दिया है। भाजपा का वो फार्मूला है P2G2। भाजपा इन दोनों राज्यों में वही मॉडल अपनाने वाली है जिसे हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी हुई है। भाजपा अब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में हरियाणा मॉडल का प्रयोग करेगी। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र और झारखंड में भी भाजपा P2G2 फॉर्मूले को ही अपना जीत का हथियार बनाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है आखिर P2G2 का फॉर्मूला। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से ठीक पहले गुरुवार को चंडीगढ़ में एनडीए की एक अहम बैठक हुई। एनडीए की इस बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत एनडीए के सभी सीनियर नेताओं और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। एनडीए मीटिंग खत्म होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा और एनडीए के लोगों को प्रो पीपल प्रो गवर्नेंस P2G2 पर फोकस करना चाहिए। भाजपा का ये फॉर्मूला आम लोगों के प्रति सरकार के फोकस को दिखाता है। P2G2 क्या है ऐसे समझिए। P2G2 यानी कि प्रो पीपल प्रो गवर्नेंस। जी हाँ, इसी आधार पर बीजेपी काम कर रही है क्योंकि इसी से बीजेपी को हरियाणा में जीत मिली। कैसे वो भी आपको बता देते हैं। हरियाणा में अगर भाजपा जीत दर्ज करने में सफल रही तो उसकी वजह है सरकार की योजनाएं। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया। योजनाओं की प्लानिंग से लेकर क्रियान्वयन तक में आम लोगों का ख्याल रखा गया है। इसका असर ही था कि भाजपा हरियाणा में हारते हारते जीत गई। अब यही फॉर्मूला और हरियाणा मॉडल भाजपा महाराष्ट्र और झारखंड में दोहराना चाहती है। देखा जाए तो महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की चुनावी रणनीति में कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। महाराष्ट्र में विकास, बुनियादी ढांचे और कृषि से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे, जबकि झारखंड में आदिवासी अधिकार, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन सभी पहलुओं के माध्यम से बीजेपी अपने आधार को मजबूत करने और चुनावी जीत हासिल करने की कोशिश करेगी और P2G2 यानी कि प्रो पीपल प्रो गवर्नेंस फॉर्मूले को लागू भी करेगी। हालांकि इसका कितना फायदा मिलेगा ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।